आर्थिक अभियान नुकसान पहुंचा तो 70% उन्होंने कांग्रेस को। और भी डेटा हमारे पास आ गया उमाकांत जी, वो भी जल्दी से बता देते हैं। और इसके लिए मैं सीधा अपनी सहयोगी के पास जाऊं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से अब आगे के जो रुझान है वो सामने आने लगे। और ये देखिए डाटा हमने खोल दिया है, गढ़वाल की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 14 में से 16 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो सामने आ रहा है। गढ़वाल रीजन की बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड 3 रीजन में बटा हुआ है। हम भी 3 रीजन की बात करते हैं, गढ़वाल, कुमाऊं और प्लेन की, यानी कि मैदान की। सबसे पहले बात गढ़वाल की कर रहे हैं, जहां पर 14 से 16 सीटें मिलने का जो अनुमान है वो दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को 12 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है, जैसा कि आप ग्राफिक्स के जरिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो ये सीटें गढ़वाल में मिलने का अनुमान है कांग्रेस को, 12 से 14 सीटें। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट मिलने का जो अनुमान है वो जताया जा रहा है। तो ये आप देखिए गढ़वाल रीजन जो है वो भी सामने आ गया है। ठीक है प्राची, क्योंकि देखिए गढ़वाल, कुमाऊं और